बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं 11th का पहला टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चे जिसमें बड़ी क्लासों तक बड़े कंफ्यूज रहते हैं। और हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी आप लोगों का, और उसमें आबाऊ का रूल है बेटा। आबाऊ का रूल जो है अभी आप लोगों का, ये इतना इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर ये आपको नहीं आया तो आप केमिस्ट्री में लगातार कमजोर ही रहेंगे और आपको कभी केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी और अब याद करते रहेंगे भी आप लोगों का। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से ये चीज़ बता रहा हूँ बेटा, थोड़ा इस बात को समझ लीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हिंदी में परमाणविक संरचना भी कहते हैं और ये आबाऊ रूल है। अब क्या है कि जो आबाऊ रूल है, बहुत सारे लोगों से पूछो भाई आबाऊ क्या है, तो सबके दिमाग में आता है साइंटिस्ट का नेम है, बहुत के दिमाग में आता है शायद ये देश का नाम है, कंट्री का नाम है। लेकिन नहीं बच्चों, आबाऊ एक जर्मन वर्ड है, जर्मन शब्द है जिसका मतलब है बिल्डिंग, जिसका मतलब है बनाना। क्या बनाना, क्यों पढ़ रहे हैं हम इस टॉपिक को? आबाऊ के रूल का मतलब है कि हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बिनिया। जैसे पुराना नहीं लिखते थे हम 288 1832 वाला, अब वो उसकी जगह पर हम उसको सबसेल में लिखेंगे, SPDF में। और आप लोगों ने नहीं जाना है तो जान लीजिए, जो सेल होती हैं कोष होती है 1 2 3 4 5 6, और जो सबसेल्स होती हैं वो SPDF होती हैं। आपको पता होगा S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, P में मैक्सिमम कितने होते हैं 6, और D में कितने होते हैं बेटा 10, और F में कितने होते हैं 14। और हाँ, ये बात बहुत विशेष ध्यान से आप ध्यान रखना कि पहली सेल में केवल S सबसेल आती है, दूसरी में SP आती है, तीसरी में SPD आती है, और चौथी से सब में क्या आता है SPDF। जब थर्ड सेल की बात हो तो उसमें SPD आएगी, और फोर्थ की बात हो तो उसमें SPDF आएगी, और सेकंड की बात हो तो SP आएगी। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं भी आप लोगों का। आबाऊ जो रूल है, आबाऊ रूल क्या है भी आप लोगों का, बिल्कुल आसान है आबाऊ का रूल। ये समझ लीजिए कि 11th की क्लास में आपको जो टीचर है भी आप लोगों का, उसने कहा है कि 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के दिन लड्डू बांटने हैं बस। तो आपने करना क्या है, आपने अपनी क्लास को छोटे से बड़े की ओर खड़ा कर देना है और उनको लड्डू बांट देना है। आबाऊ का रूल हो गया। अब इसको केमिस्ट्री में लगाओ, जो लड्डू हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और जो बच्चे हैं वो क्या हैं बेटा, एटॉमिक सबसेल्स, परमाणु ये उपकोष हैं। तो आपने जैसे बच्चों को छोटे से बड़े की ओर खड़ा किया, वैसे यहां पे एटॉमिक सबसेल क्या होंगे बेटा, लोअर एनर्जी के सबसेल से हायर एनर्जी के सबसेल की ओर होंगी, कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की ओर क्या है भी आपका, इलेक्ट्रॉन क्या है भी आप लोग भरेंगे। कैसे, तो कोई आपसे पूछेगा आबाऊ का रूल क्या है, तो आप कहेंगे परमाणु उपकोषों में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के कोष से उच्च ऊर्जा के कोष की ओर प्रवेश करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे एटॉमिक सबसेल्स में वो कैसे होंगे बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, यानी लोअर एनर्जी की सबसेल में पहले इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, फिर हायर देन हायर देन हायर। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो होगा जैसे हम दैट इज अर्थात करें, पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में, और ऐसे ही क्या है भी आपका 4p सोन। हालांकि बाद में मैं आपको इतना खूबसूरत फार्मूला बताऊंगा कि आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s, 3d। अब यहां पर थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं अभी आप लोगों का, मैं इसको बाद में क्लियर करूंगा। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, हमने क्या लिखा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है बेटा, तो जैसे हमने किसका लिख लिया अभी आप लोगों का, सोडियम का लिख लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पहले आएगा 1s, s में कितने आते हैं बेटा आपको पता है 2, फिर क्या आया भी आपका 2s, s में कितने आते हैं 2, फिर किसकी बारी है 2p, p में कितने आते हैं 6, फिर किसकी बारी आई 3s की, काउंट कर लो 11 है, 2 2 4 6 10, और बचा ही कितना बेटा 1 11। अब यह है कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख क्यों रहे हैं, एक्चुअली इसकी मदद से हम बगैर पीरियोडिक टेबल देखे हुए हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन समझ सकते हैं, कोई हमें पीरियोडिक टेबल देखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से ही हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी पीरियड और कौन से ग्रुप में है। तो दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे देता हूं भी आप लोगों का, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 12 हो गया, तो आपने पहले किस में आएगा 1s, s में आएगा 2, फिर किसकी बारी है बेटा 2s, s में कितने आएंगे 2, फिर 2p की बारी है 6, फिर 3s में कितने आते हैं 2, काउंट कर लो 12 है, 2 2 4 6 10 12। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। अब मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था सेल क्या होती है 1 2 3 4 5 6, और सब सेल क्या होती है SPDF। तो लास्ट जो फार्मूला है हमेशा याद रखना बेटा, ये फार्मूला लास्ट सेल जो है वो किसको बताएगा, पीरियड को,
और उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, कुल इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा किसमें, लास्ट सेल में, सब सेल में नहीं, यहाँ लास्ट सेल में, वो किसको बताएगा भी आपका ग्रुप को। अब यहां से आप देख लो सोडियम को देख लो, लास्ट सेल क्या है, थ्री है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा बेटा थर्ड, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है वन, तो उसका ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा फर्स्ट। ठीक है, अब अगर हम किसकी बात करें भी आप लोगों का मैग्नीशियम की बात करें, तो लास्ट सेल क्या है बेटा थ्री, तो इसका मतलब क्या हो गया पीरियड थर्ड, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं भी आप लोगों का टू, तो इसका मतलब ग्रुप क्या हो गया भी आप लोगों का सेकंड। आया समझ में। अब लेकिन ऐसा है कि सारे के सारे एक जैसे नहीं होते हैं, अगर आप सोचेंगे कि सब एक जैसा हो जाए, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना कि लास्ट सेल नंबर बताएगा पीरियड को, और उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो किसको बताएगा भी आपका ग्रुप को। अब देखो मैं बदल रहा हूं, मैंने क्लोरीन का लिखा 17, तो पहले किस में जाएगा 1s, s में कितने जाते हैं 2, फिर किसकी बारी है 2s, इसमें भी 2 आते हैं, फिर 2p, p में कितने आते हैं 6, फिर किसकी बारी आई 3s, s में कितने आते हैं 2, फिर किसकी बारी आई बेटा 3p, काउंट कर लो पहले 17 है, 2, 2, 4, 6, 10, 12 और 5, 17, क्योंकि 6 आ सकते हैं मगर बचे ही 5, तो इसमें लास्ट सेल कौन है बेटा, लास्ट सेल कितनी है थर्ड, तो इसका पीरियड कितना हो गया अभी आप लोगों का थर्ड हो गया, बहुत आसान है। अब इसका ग्रुप में सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर ग्रुप में कंफ्यूज होंगे और मैं आपके मन की बात करूं तो आप कहोगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो इसका ग्रुप कितना हो गया 5, नहीं गलत हो जाएगा। देखिए बेटा ये भी थर्ड है और ये भी थर्ड है, देखो ये एस सबसेल है और ये पी सबसेल है, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट सेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पी में कितने हैं 5 और एस में कितने 2, तो कितने हो गए 7, तो इसका ग्रुप क्या हो गया बेटा 7th हो गया। और क्लोरीन कौन है बेटा, हेलोजन है, और आप जानते हो हेलोजन कौन से ग्रुप के हैं 7th के। अब मैं इसको समझाने के लिए एक और ले लेता हूं, आप लोगों ने 8th ग्रुप सुना होगा, नोबेल गैस, आइडियल गैस, अक्रिय गैसें सुना होगा आपने, तो उसका एक एलिमेंट ले लिया मैंने ऑर्गन, ऑर्गन का आपको पता है 18 होता है, तो कैसे लिखेंगे आप बाउर रूल से 1s, s में कितने आएंगे बेटा 2 आएंगे, फिर किसकी बारी आई 2s, s में कितने आएंगे अभी आपका 2, फिर किसकी बारी है 2p, p में कितने आएंगे 6, फिर 3s की बारी है 3s2, फिर किसकी बारी आएगी 3p, काउंट कर लो 18 है, 2 टू 4 6 10 12 और 6 कितने हो गए 18, तो इसमें लास्ट सेल कौन सी है थर्ड, तो इसका पीरियड क्या होगा बेटा, बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे थर्ड हो गया, और इसका ग्रुप कितना होगा 6 नहीं होगा थर्ड में, देखो ये पी भी है और एस भी है, तो 6 और 2 कितने हो गए मेरे बच्चों 8 हो गया अभी आपका। तो समझ में आया हमने अब्बाओ का रूल पढ़ा क्यों, तो कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, खाली पढ़ रहे हैं रट्टा मार रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला, आज तो बहुत टेक्निकल टाइम है बेटा, तो हम टेक्निकली देखिए अब्बाओ का रूल भी कैसे लिखा हमने और हमने उसे कैसे पीरियडिक पोजिशन समझी ये भी समझा। अब इसको थोड़ा आगे की ओर बढ़े, मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा अगर लंबा हो भी जाए 12-1 मिनट का, तो आप टेंशन ना लें, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसको समझिए, अब्बाओ ने कहा 4s की एनर्जी कम है और 3d की क्या है बेटा ज्यादा है, अब्बाओ ने ये नहीं कहा कि 4s को पहले लिख दो और 3d को क्या है गलत लिख दो, ज्यादातर लोग ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल ये गलती ना करें। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कौन सा लिख रहा हूं, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं, तो पहले किस में आएगा 1s, फिर किसकी 1s2, फिर किसकी बारी आएगी 2s2, फिर 2p6, फिर किसकी बारी आएगी 3s2, देखो थर्ड सेल आते ही डी भी आएगी 3s2 3p6, 4s पहले नहीं लिखेंगे, एस पी डी, देखो आप पता है मैंने आपको बताया जब थर्ड हेड होगी तो एस बी होगी और पी बी होगी और डी बी, तो एक्चुअल में डी यहां होगी और 4s क्या होगी बाहर। लोग क्या सोचते हैं कि 4s पहले लिख दें और 3d लिखें बाद में, बिल्कुल गलत, थर्ड सेल में एस बी आएगी पी बी आएगी डी में, 4s बाहर होगी, तो लेकिन एनर्जी किसकी कम है 4s की, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किसमें बढ़ेगा 3s2, काउंट कर लो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 20, बचा कितना 1, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं अभी आप लोगों का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो गया 1, बिल्कुल गलत, आपने कहीं किसी बुक में यार किसी को नहीं देखा होगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 3 नहीं होता 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है भी आपका मैथमेटिकली भी आपको देखना है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, आप जिंक का लिख लीजिए 30 का, पहले किस में आएगा 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर किस में आएगा बेटा 4s2, पहले s में आएगा और फिर किस में आएगा अभी आपका d में 10, ठीक है। अभी मैं d की बात नहीं कर रहा हूं, s और p ब्लॉक के ही बारे में आपको बता रहा हूं, इसलिए इसका ग्रुप पीरियड नहीं बता रहा हूं आपको। अब आप ध्यान से देखिए, ये छोटे छोटे तो बेटा सब लोग कर लेते हैं, नाइट्रोजन सोडियम पोटेशियम, लेकिन बड़े कोई कहेगा भाई 10 का करना है, 50 का, लेड का, 82 का करना है, फ्रेंसियम का करना है,
तो हमारे होश फाकता हो जाते हैं और हमें पता नहीं लगता, और हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन है और बहुत सारे बच्चे तो इतनी दूर तक जा भी नहीं पाते। तो मैं आसान आपको टेक्निकल फार्मूला बता रहा हूँ। आप जानते हो कोरोना के बाद बिल्कुल एकदम टेक्निकल माइंड होना चाहिए आज के ज़माने में। तो अब आपको केवल मैं लिख भी रहा हूँ ओनली फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, केवल किस पे लगेगा बेटा ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, डी और एफ में नहीं लगेगा। तो जैसे आपको 50 से ऊपर लिखने हैं और 80 से ऊपर लिखने हैं, छोटे छोटे तो लिखे जाते हैं फार्मूले से, बड़े फार्मूले से लिखे नहीं जाते, आगे आड़ा तिरछा हो जाता है अभी आप लोगों का। तो 50 से ऊपर लिखना है तो थर्ड सेल तक पूरा भर लो। थर्ड सेल तक क्या आती है, फर्स्ट सेल में एस आती है, सेकंड में एस पी, थर्ड में एस पी डी, फोर्थ में एस पी डी एफ, फाइव में सब में एस पी डी एफ आती है। तो थर्ड सेल तक पूरा भर लो 1 2 3। अब तुम्हें बता फर्स्ट सेल में केवल क्या आती है एस, सेकंड में क्या आती है बेटा एस पी, थर्ड में क्या आती है एस पी डी आती है, अब फोर्थ में क्या आता है एस पी डी एफ, फिफ्थ में क्या आता है एस पी डी एफ, सिक्स्थ में क्या आता है एस पी डी एफ। तो आपने क्या करना है, जब 50 से ऊपर लिखने तो थर्ड तक तो पूरा भरना है, फिर फोर्थ से लास्ट की सब सेल, देखो लास्ट की है कम करी एक, फिर लास्ट की कितनी कम करी दो, फिर लास्ट की कितनी कम करी तीन, ठीक है। थर्ड तक पूरा लिखना है, फोर्थ से लास्ट की एक सब सेल कम करो, फिर फिफ्थ से लास्ट की दो सब सेल कम करो, और सिक्स से लास्ट की सिक्स करो, मतलब। और अब 80 में लिखना है तो फोर्थ